है जो धर्म में लगे। बाकी तो धर्म बहुत ऐसे ऐसे लोग भारत देश में पड़े हैं, उनके पास इतना धन है कि वो चाहे तो ऐसी कथा तो 365 दिन चलती रहे फिर भी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, है कि नहीं। लेकिन उसके धन के साथ साथ हृदय होना चाहिए, और ऐसे हृदय ही नहीं विशाल हृदय के हमारे मुख्य यजमान जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने कदम से कदम चला, ऐसे श्रीमान राम जी लाल जी शर्मा, और आपने ऐसे राम को जन्म दिया है ना कि श्रीमान खेमराज जी शर्मा आप तो इस कार्यक्रम के प्रधान यजमान हैं, मुख्य यजमान हैं, और आपकी ओर से ये कथा निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो, बढ़िया दीप चकाचक भंडारा हो। भंडारा आप लोग जानते हो ना, ताली बजाते हो तो रणजी चाहिए ना, फिर कथा होगी तब ताली बजाना पड़ेगा। अरे दौसा है यहाँ तो कथा होती रहती है। तो आपने 32,000 रुपए का सहयोग किया है जोरदार कर्तव्य के साथ हमारे मुख्य यजमान प्रधान यजमान जी के लिए। आप लोग उनका उत्साहवर्धन करिए और एक बार दोनों हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद प्रदान करिए कि वो ऐसे ही धन ऐसे ही धार्मिक आयोजनों में लगाते रहें। हमारे दूसरे, आपने मुझे तो पता नहीं था कि मतलब आदमी बुजुर्ग हो जाए फिर भी इतनी एनर्जी रहती है। मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता रहा कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन दिन भर तो नहीं आते रहे, रात में आपके ही अपने श्री बलदेव सैनी जिनको आप लोग मुंशी बाबू जी बोलते हो, यही बोलते हो ना, एक दादाजी हैं उनको, आपने इस कथा को निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने हेतु 11,000 रुपए नगद, साथ ही ये आप लोग जो 9 दिनों तक प्रसाद पाते हो आरती के बाद ना, आपने कहा महाराज आप तो चिंता छोड़ दो प्रसाद हम बांटेंगे, तो आपने 9 दिनों का प्रसाद की जिम्मेवारी और साथ ही 1 क्विंटल चीनी भंडारे के लिए और साथ ही 1 पीपा तेल जोरदार ध्वनि के साथ उनका उत्साहवर्धन करिए, और पुनः अपने दोनों हाथों को ऊपर करके उनको बरद हस्त प्रदान करिए, आशीर्वाद प्रदान करिए, उनकी धार्मिक अभिरुचि बनी रहे और वो सदैव ऐसे ही कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करते रहे। और इतना ही नहीं, आपने तो कहा कि महाराज जी आप तो अन्न पानी मंगा लिए हो, लेकिन एक दिन का हमारे यहाँ जो राजस्थानी भोजन होता है ना, मैं बोला कि क्या, उन्होंने कहा कि दाल बाटी चूरमा होता है ना, ये आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आपको जिवाएंगे, यही बनेगा और यही पाइए आप। मैं बोला मेरे साथ भंडारी है वो मुझे बनाता खिलाता है, बोले नहीं महाराज जी हम बनवा के खिलवाएंगे। तो जोरदार कर्तव्य के साथ श्री बलदेव सैनी जी का उत्साहवर्धन करिए। तीसरे हमारे ऐसे भंडारा जो बृहद भंडारा होगा ना, उसमें सहयोगी हैं श्रीमान दीपक चांदा जी, आपकी ओर से 1 क्विंटल चीनी और 2 पीपा तेल जोरदार कर्तव्य उनका उत्साहवर्धन करिए और दोनों हाथों को उठा करके उनको आशीर्वाद प्रदान करिए। जिस कार्य क्षेत्र में है वो सदैव लगे रहे और धार्मिक आयोजनों में उनकी अभिरुचियां बनी रहे। हमारे श्रीमान दिनेश मीणा जी, आप तो एक दिन के यजमान भी हमारे थे, आज के ही है शायद, आज के हमारे यजमान भी हैं। आप एक बोरी आटा और 2100 रुपए वो 2 दिन पहले हमको दे दिए थे, 2100 आटा दे देंगे। जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका उत्साहवर्धन करिए और दोनों हाथों को उठा करके उनको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। श्रीमान हरिगोपाल मीणा जी, आपकी ओर से 2 पीपा तेल भंडारे में आएगा, जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका उत्साहवर्धन करिए। डॉक्टर महेश शर्मा जी,
50 किलो चीनी आपकी ओर से भंडारे में सहयोग आया है। चोर कर्ता धन के साथ उनका उत्साह वर्धन करिए। श्रीमान राजेश शर्मा जी आपकी ओर से एक बोरी बेसन, आज के हमारे यजमान भी हैं श्री राम जन्म महा महोत्सव के और आप लगे भी रहते हैं, कहते हैं महाराज आप टेंशन मत लो, होगा, यहाँ तो साजनाथ बैठे हुए हैं। जोरदार कर्ता धन के साथ उनका भी उत्साह वर्धन करिए। श्रीमान रमेश हरिद्वाल जी आपकी ओर से 5 पीपा तेल, जोरदार तो आप लोग ताली बजाए रहो, भंडारा बहुत दिव्य होगा। आप लोग भंडारा पाए हैं ना और दिव्य भंडारा पाएंगे, ये सहजनाथ का प्रसाद। और श्रीमान भानु शर्मा जी आपकी ओर से भी 5 पीपा तेल का आश्वासन दिया गया है, आपने कहा है महाराज जी दिव्य भंडारा होना चाहिए, जोरदार कर्तव्य धन के साथ उनका उत्साह वर्धन करिए। श्रीमान राम किशोर शर्मा बोरा जी आपकी ओर से 1 पीपा तेल, 50 किलो आटा, जोरदार कर्तव्य धन के साथ आप लोग उनका उत्साह वर्धन करिए। और राम अवतार हलवाई आपकी ओर से 1 कट्टा आटा। श्रीमान शंकर सोनी जी आपकी ओर से 50 किलो चीनी। श्रीमान दिनेश शर्मा जी आपकी ओर से 2 बोरी आटा। ताली तो बजाओ, रुको नहीं, ताली में देखो, धन में कंजूसी करो कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन कम से कम ताली में तो ना करो। और मुझे पता है ना आप ताली में करोगे ना धन में करोगे, है कि नहीं। हमारे श्रीमान इस सहजनाथ सेवा समिति जो हमको आप सभी से मिलाए हैं, हम आपसे मिलते या नहीं मिलते लेकिन बहुत बड़ा माध्यम बने हैं। मैं यहाँ अपरिचित था, मुझे पहचान दिलाने वाले, सबसे मिलाने वाले श्रीमान रमेश चंद्र शास्त्री जी आपकी ओर से भी 1 कुंटल चीनी भंडारे के लिए आया है, जोरदार कर्तव्य के साथ इनका उत्साह वर्धन करिए। श्रीमान विष्णु प्रसाद शर्मा जी आपकी ओर से 5100 रुपए श्री राम कथा यज्ञ के लिए आए हैं, जोरदार कर्तव्य के साथ उनका उत्साह वर्धन करिए। और आज के हमारे श्री राम जन्म महा महोत्सव के जो यजमान हैं और आप बहुत अच्छे मूर्ति कार हैं, मूर्ति भंडार जिनका चलता है, श्रीमान लक्ष्मी नारायण रावत कृष्णा रावत जी मूर्ति वाले आपकी ओर से 21,000 रुपए का सहयोग आया है, जोरदार कर्तव्य धन के साथ सभी लोग उत्साह वर्धन करिए। और एक बार जोरदार दोनों हाथों को उठाकर सभी दानदाताओं को, सभी सहयोगियों के लिए आप उनको आशीर्वाद प्रदान करिए। और हम भी मंगल कामना करते हैं हनुमान जी महाराज अयोध्या नाथ कनक बिहारी भगवान के चरणों में कि ठाकुर जी जो हमारे भक्त हैं, दानदाता हैं, श्रद्धालु हैं, इनको आप नित नई ऊंचाइयां प्रदान करना, इनका जो भी पाप है, ताप है, संताप है, उसको सदा सर्वदा के लिए आप दूर करना। और ये राम कथा हो रही है तो मर्यादाएं सभी के जीवन में बनी रहे, शिष्टाचार संस्कार सदैव सबका बना रहे। और आप लोगों का समय बहुत ले लिए ना, लेकिन चिंता मत करिए, ये जो हमारे साउंड वाले हैं ना, संजय साउंड सर्विस, आपने कहा है कि महाराज जी जन्म है हमारी कुछ सेवा हो जाए, मैंने कहा है कि देखो यहाँ तो सब सेवा सेवा है, जो ले वो सब सेवा है। आपने कहा कि सब लोग गर्मी में बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो हम ये आइसक्रीम सबको खिलाएंगे, जोरदार कर्तव्य साउंड सर्विस के लिए आपने आज प्रसाद में सबको आइसक्रीम बांटेंगे। और दूसरा इसके बाद फिर जल्दी से राम जी को तो सबको देखना है ना, जल्दी से लल्ले में पल्ले को झुलाना है ना। तो दूसरा निवेदन, जिनको जो भी सहयोग करना होगा, हालांकि मेरा जहां तक मानना है और जब तक मैं जाऊंगा नहीं देखो तब तक मैं कहता रहूंगा, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर हैं, कल अपने श्री अवध जाएंगे, कल हम अपने
आग्रह है कि आप सभी लोग, हालांकि मुझे विश्वास है और मैं जहां भी गया हूं ना तो बाबूजी लोगों का सहयोग तो रहा ही है, लेकिन वहां की माताएं